भाई मैं 11 बजे आई हूँ, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है ना कोई एक बात बता यार, मतलब तेरे को क्या लगता है कि मैं वेला हूँ? सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? मैं उम्मीद करता तो सारे वधिया हो गए, बहुत वधिया जा रहे होंगे। न्यू डे न्यू ब्लॉग, आज हमारा आखिरी पेपर है, आखिरी रिटर्न पेपर है। अभी वाइवे होने हैं नेक्स्ट वीक, बट चलो कोई नहीं, रिटर्न वाला तो मुक्या ना कलेश है ना। तो आज आपको मैं चश्मे दूसरे लग रहे हूँ, क्योंकि आज मैंने ना गगन के चश्मे मार लिए। मैंने कहा एक बार टायर चेक कर लें, हाँ हवा हवा है, ठीक है, पहुंच जाएगी। तो गगन के चश्मे मार लिए मैंने, उसको पूछ के ही मारे हैं, नहीं तो वो देता नहीं है। भाई मेरे को लग रहा है कि ना आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाऊंगा ये तीन चार दिनों में से। पहले मैं 9:55 के राउंड पहुंचा था, आज सैटरडे है भाई, पूरी रोड खाली है। मैं क्या खिंचम खिंच जा रही है गाड़ी। चलो बढ़िया यार, थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, 10 मिनट रिवीजन मार लेंगे। हाँ कर लेता हूँ मैं रिवीजन कभी कभार ना, बाकी फिर बेले हो जाना। कल सैटरडे, आज सैटरडे है, कल संडे, कुछ करते हैं यार आज। बड़े मैं परेशान हो गया भाई, तीन दिन 7 बजे उठ के, आज चौथा दिन था, 7 बजे उठ के कॉलेज जाने में ना मेरी इतनी हालत टाइट होगी। मैं क्या बस बस आज ना अपने आप को स्टूडेंट कहने में शर्म आ रही है। सैटरडे आना पड़ रहा है स्कूल, सॉरी कॉलेज, स्कूल ही है। पीटीएम भी आज, पर मैं लाया नहीं कोई। यार भाई भाई साल के हो गए, आप मम्मी पापा को लाते अच्छे थोड़े लगते हैं। आज 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच गए, नहीं तो पहले 5-5 मिनट पहले कॉलेज पहुंचते थे। आज इतना खाली कॉलेज ना कभी नहीं देखा होगा मैंने। भाई साहब फाइनली हमारे रिटर्न एग्जाम्स मुक चुके हैं, खुशी हो रही है कि चारों एग्जाम बहुत अच्छे गए और खुद करे, कोई एवं इधर उधर देख के नहीं करे। बढ़िया फीलिंग आ गई सारे एग्जाम देखे, आज का भी बहुत बढ़िया हो भाई। इतना खाली कॉलेज कभी नहीं देखा होगा, सारी क्लासें खाली पड़ी हैं। सैटरडे को सब खाली होता है, बस अब पेपर फैसले आ गए, नहीं तो मैंने भी नहीं आना था। कल आराम से सोऊंगा, आराम से उठूंगा, 7 बजे उठ उठ के परेशान हो गया। मेरा तो ठीक है, मैं अभी घर चला जाऊँ, पर जा नहीं सकते क्योंकि आज हमारा शूट है जो उस दिन चल रहा था वो कम्प्लीट हुआ नहीं। तो हमने दो वीडियोस बनानी है, एक तो मूवी बनानी है और एक एड बनानी है। तो देखो पता नहीं आज किसका शूट है, अभी थोड़ी देर में सारे आएंगे तो पता चलेगा, नहीं तो मैंने घर चले जाना था, आराम से रेस्ट करता। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत पतला हो गया हूँ, क्योंकि जेडी जीन्स है ना वो नीचे जाए जा रही है अपने आप। भाई आज हमारा शूट है, मेरा है नहीं है तो हलीम का नहीं है, हलीम तेरा भी नहीं है फिर ये भाई। फिर हम घर चले जाते हैं यार, देखो अगर सीन नहीं पड़ रहा है ना कार वाले, कौन से कार वाले आपको लगता नहीं पड़ जाएंगे? डायलॉग हो गए कार वाले सारे, हम सब बाकी बैठे बैठे डायलॉग बाकी ना हो वो तो वही रहेगा। फिर तो यहीं पे ले लियो, उसके बाद वहाँ नहीं जा रहा मैं, इतनी दूर यही इसी गली में ले लियो। भाई इस कॉलेज में मेरा सिर्फ एक ही प्यार है, वो आज कश्मीरी सेब बन के आया है, ये मेरे साथ बैठा है। अब जान बुझ के देख नहीं रहा है ना, अपने प्यार को नहीं देख रहा, शर्म आ जाती देखो मेरे को देख के, हंसी आ रही है इसको। कहती मैं अगर इस मेरे साथ ना इसका वो रोल, इसको डायलॉग नहीं दिए, इसको 2-3 डायलॉग दे दे फ्लर्ट वाले, क्योंकि ये मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करती। ये फ्लर्ट करेगी ना मज़ा आएगा वीडियो में, तो 5 सर भी देख के पागल हो जाएंगे। ये वाह इनकी जोड़ी है बढ़िया, तो दिखा नच बलिए बना ले, नच बलिए नच बलिए बना लेते हैं, छोड़ दो अपनी मूवी। भाई देखो आज है पीटीएम, तो भी एक बच्चे की मम्मी आई थी, अपना यार ही है, तो उसकी मम्मी कहती बहुत बढ़िया व्लॉग्स बनाते हो। मैं तो हलीम को बता रहा, देख माई फैन फॉलोइंग इज सो, मेरे घर वाले भी देखते हैं, मैं घर में करण के बाद समझ जाती हूँ। करण आ गया घर पे, नहीं करण घर पे नहीं है, करण के ब्लॉग देख रहे हैं, मैं ही मम्मी हूँ, मैं ही पापा हूँ। देख भरावा असि आ गए अपने टिप स्टूडियो च, ते अज असि पढ़नी है न्यूज़ा, ते ऐस कैसे पढ़ते मैं बता दूं। सत श्री अकाल जी, तुहाडा सब दा स्वागत है पीडीसी पंजाबी च। अज तुहानू असि दसांगे कि ताजी ताजी खबरां कि पंजाब च की हो रहा है। जिदा नए सीएम साहब आ गए ने साडे भगवंत मान जी, उन्होंने नई हेल्पलाइन लॉन्च की है, जो तुहानू कदे भी दिखेगी आस पास साडे करप्शन हो रहा है, ते कॉल दैट हेल्पलाइन एंड आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਨਾਬ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹਾ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਨਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਸੀ ਫਟਾਕ ਸੇ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ, ਜਸਟ ਸੀ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। भाई हमें 4 घंटे हो गए बैठे बैठे, हमारे देखो महंगे एक्टर को कुछ नहीं दे रखा ना, वैनिटी दे रखी है, ये बस योगर्ट भेजी है हमारे
हमारे असिस्टेंट जी योगर्ट लग रहे हैं, थैंक्स फॉर द योगर्ट। बाकी हम वेट कर रहे हैं, हमारा शूट आज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर घर चले जाएंगे। दिक्कत ये हम घर चले जाते, पर ये मेरी गाड़ी यूज कर रहे हैं, नहीं तो मैं अभी तक दफा हो जाता। देखो तू मैं बैठा हूं ना इसलिए तू बैठी है, क्योंकि इसका और मेरा शूट कट्ठे है, ये बड़ी दिक्कत है। वो कह रहा है हो भी सकता है, वो कह रहा है नहीं भी हो सकता। भाई फाइनली हमारे डायरेक्टर साहब आ गए। डायरेक्टर साहब हो गया आपका शूट हो गया कम्प्लीट? भाई तुम गाड़ी का कर लेते यार, तुम रोज गाड़ी घुमाते हो, मेरे टाइम वेस्ट करते हो। मैं 200 ऊपर नहीं रुक पाऊंगी। देख अगर तू नहीं रुक पाएगी तो चलिएगा फिर मंडे को कर लेंगे, मेरे को क्या दिक्कत है। भाई मैं 11 बजे आई हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना, अगर कोई एक बात बताया, मतलब तेरे को क्या लगता है कि मैं वेला हूँ? मैं ये नहीं बोल रही, मेरी हालत देखे एक बार। अरे मैं तुझे ये नहीं बोल रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। हाँ सभी वो है कि सब ऐसे डायरेक्टर और एक्टर की लड़ाई होती है। नहीं लड़ाई नहीं हुई, नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, शूट में ना ऐसे होता है। कुछ करके अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो अब मैं आज सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे ये था कि मैं उस दिन में नहीं, तो तभी तो मैं अभी मैंने तभी तो करके आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे सीन निपटा सकूं। तो तबीयत ठीक है तो उस टाइम पे सिर्फ इतना कलेश हुआ था, आज मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। तू बस की सब रिकॉर्ड कर ले तू। मेरे को तो थंबनेल मिल गया कॉलेज में शूट करते हुए लड़ाई। हाँ अलीन भड़की डायरेक्टर में भड़कने की बात नहीं है सब। भाई तैयार शहर हो गया आज, इतने दिनों के बाद ना एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कॉलेज से टाइम से आ गया था और टाइम से आके सो गया, 3-4 घंटे सो गया, तो गुड लग रहा है। भाई अब जिम चलते हैं, क्योंकि जिम मिस नहीं करना ना, आज हम करेंगे शोल्डर, विल मेक इट बोल्डर। भाई सो फाइनली डन विद एवरीथिंग, पेपर भी साढ़े मुगे ने, रिटन वाले मुगे हैं, वाइव अब शुरू होने, जिसको हम स्कूल में ओरल एग्जाम बोलते थे, तो ओरल एग्जाम अब शुरू होने हैं। चार दिन और कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर उसके थोड़े दिन बाद एक्सटर्नल शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एक्सटर्नल है ना जो ऑनलाइन हो जाए, आप भी यही उम्मीद करो, प्रे ये करो कि एक्सटर्नल ऑनलाइन हो जाए, भाई कॉलेज ना जाना पड़े दूसरे, इतनी सुबह सुभ दूसरे कॉलेज जाना, पता नहीं पहुंच पाएंगे या अभी नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी ऐसे नाल ही आप इस व्लॉग नु करते हैं एंड, मैं उम्मीद करता हूं पसंद आए थे, पसंद आए तो डूट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कि जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब नहीं था सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलते नेक्स्ट वॉक दिन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।